मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पीकर ने उन्हें बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर कांग्रेस विधायक पर निलंबन की कार्रवाई की कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रखा। उन्होंने स्पीकर के आते ही कहा कि सदन को हम मंदिर कहते हैं, आपने भी कहा, इस सदन की मर्यादा को खरोंचने की कोशिश हो रही है, ये पीड़ादायक है। जीतू पटवारी पहले भी ऐसा करते रहे हैं। मामला विशेषाधिकार समिति के पास विचाराधीन है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि बाकी के सत्र के लिए जीतू पटवारी को निलंबित किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया।